हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको सबसे सरल मलाईदार लच्छेदार मटका कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। ये अपनी 10 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए अपने को चाहिएगा आधा लीटर दूध, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच मलाई और अंदर डालने के लिए अपने को बादाम की कतरन और काजू की कतरन। सबसे पहले आधा लीटर दूध कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद उसे 2-3 उकाल आने तक बॉईल करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी उबाली आने लग गई है। अब अपन इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। तब तक चलाएंगे जब तक शक्कर अच्छे से पक नहीं जाती। इसमें अच्छे से उबाली आने लग गई है। अब अपन इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर की वजह से इसमें गाढ़ापन अच्छा आ जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपन 2-3 उकाली और लेंगे। उसके बाद अपन इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने से इसमें काफ़ी लच्छेदार टेस्ट आता है। इसमें काफ़ी अच्छा, आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा उकाल आने लग गया है। अब अपन इसमें मलाई ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मलाई ऐड कर मिक्स कीजिए इसमें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल लच्छेदार बाजार की मलाई कुल्फी जैसी। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है ये। इसमें काफ़ी अच्छी उबाल आ गई है, मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब अपन इसमें बादाम और काजू डाल देंगे। मलाई डालने के बाद अब अपने को बस 2-3 उकाली ही लेनी पड़ती है इसके अंदर। बस ये अपनी मटका कुल्फ़ी बनके तैयार है। इसको अब अपन गैस बंद कर देंगे। इसको अब अपन नीचे उतार लेंगे और ठंडी होने देंगे। ठंडी होने के बाद अपन इसको मिक्सर में चला लेंगे, जिसने इसमें बहुत क्रीमी और एक बहुत थिकनेस अच्छी आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब अपन इसको मिक्सर में चलाएंगे। मिक्सर में चलाने के बाद ये देखिए, ये कितनी थिक हो गई है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी। अब अपन इसको डिस्पोजल के ग्लास में जमाएंगे, ताकि ये जमने के बाद आसानी से निकल जाए। हमने वो आधे लीटर की आइसक्रीम अपनी 6 ग्लास में बन के रेडी हो गई है। अब अपन इसको पैक करके फ्रिजर में जमाएंगे। इसको अपन पैक करेंगे फॉइल पेपर ऊपर से लगा के, और उसके ऊपर रबड़ लगा देंगे। फिर इसमें कट लगा के और स्टिक लगा देंगे। एक बीच में हल्का सा कट लेकर आएंगे और उसमें स्टिक लगा देंगे, ताकि वो स्टिक बिल्कुल सीधी खड़ी रहे। ऐसे ही हम सारी 6 आइसक्रीम पैक कर लेंगे और इनको फ्रीज़र में जमा देंगे। हमने अच्छे से पैक कर दी है मटका कुल्फ़ी जैसे। अब हम इसको फ्रीज़र में जमाएंगे। ये एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तक जमेगी, उसके बाद इसका लुक बिल्कुल मटका कुल्फ़ी जैसा आएगा। हमारी मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छी जम चुकी है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी जमी है। ये देखिए, एकदम शानदार, कितनी अच्छी निकली है हमारी मलाई मटका कुल्फ़ी, बिल्कुल बाजार जैसी। इसको खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये। थैंक यू।